जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का लहसुन और अन्य जिन्सों का आवक देख लेते हैं कैसा है। तो दोस्तों लहसुन की बात करें तो लगभग 80 वाहन खड़े हैं, जो मान के चलिए 100 वाहन हो जाएंगे, तो लगभग 2500 बोरी के आसपास तो वाहनों में आवक है। और फर्स्ट सप्ले में 600 कट्टे के आसपास, सेकंड में 300 के आसपास, लगभग 1000 बोरी ये, तो 3500-4000 बोरी के आसपास की आवक है। 4000 बोरी की पक्की मान के चलिए आवक, मान के चलिए 6000 के बोरी के आसपास आवक बन सकता है। इसके अलावा बात करें गेहूं की, लगभग 100 ट्रोलियों के आसपास में आवक है। इसबगोल लगभग 400 से ऊपर बोरी की आवक है। हाल फिलहाल कलौंजी लगभग 150-200 बोरी के आसपास की आवक है। और कलौंजी के अलावा बात करें मेथी में लगभग 2500 की आवक हो जाएगी। 2000 के आसपास तो नज़र आ रही है, 2500 बोरी आराम से आवक होगी और ऊपर भी हो सकती है। तो मेथी में भी अच्छी आवक देखने को मिल रही है, क्योंकि कल बाज़ार बहुत ज़ोरदार तेज़ देखने को मिला था, हमारी भी कल्पना से अधिक जो हमने तेज़ी बताई थी। इसके अलावा बात करते हैं अन्य किस्में तेज़ी देख आवक है। मूंगफली गिनी चुने एक दो लॉट है, असगंध में भी गिनी चुनी आवक है, क्योंकि असगंध में तेज़ी कायम है। और इसके अलावा सोयाबीन में लगभग 50 ट्रोली के आसपास में है, लगभग 2500 बोरी के आसपास की आवक है। और तिल्ली 50-1 बोरी के आसपास आवक है, अजवाइन लगभग 300 बोरी के आसपास आवक है, अलसी लगभग 200 बोरी के आसपास आवक है, रायड़ा लगभग हाल फिलहाल 100 बोरी। तो आवकें कुल मिला के ठीक ठाक देखने को मिल रही है। दोस्तों सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा। और ये नीमच मंडी की लहसुन की आवक, यह पहला छपरा देख सकते हैं आप जो माल है। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज 5 अगस्त का दिन है और अयोध्या भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त का दिन है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सबकी आस्था का केंद्र है अयोध्या। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। तो ये आवक की स्थिति है, छपरों में तो आवक इतनी ज़्यादा नहीं है हाल फिलहाल, और बाहर भी इतनी नहीं है। ये पूरा आवक है नीमच मंडी का लहसुन का पहला छपरा है कल के मुकाबले, तो इस छपरे में हाल फिलहाल तो कुछ ठीक आवक दिख रही है। कुछ और आवक आ जाएगी, क्योंकि अभी तो 8 बजा है दोस्तों, तो आवक बढ़ती जाएगी। तो हाल फिलहाल ये आवक की स्थिति है, छपरे की स्थिति, पहले छपरे में ये आवक है। और दूसरे की तरफ चलते हैं क्या आवक दिखती है। दोस्तों ये दूसरे छपरों की आवक देख सकते हैं हाल फिलहाल क्या आवक है। और ये अजय भैया है, ऊँटी लहसुन भिजवारा बेचते हैं, और ऊँटी लहसुन की भी इनकी बढ़िया क्वालिटी का माल है, देखते हैं क्या बिकेगा। और ये सेकंड छपरे की आवक है, दूसरे छपरे में क्या आवक है। तो आप सबको अयोध्या भूमि पूजन है आज, और उस सब की शुभकामनाएँ तहे दिल से। 5 अगस्त का दिन है, तो लगभग सभी की आस्था का केंद्र है हर व्यक्ति के, आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, तो आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। तो ये आवक की स्थिति है, ज़्यादा तो है नहीं आवक, सीमित ही है दूसरे छपरे में भी। लगभग पहले छपरे में 600 कट्टों के आसपास की आवक होगी, 500-600 कट्टे की, और ये दूसरा छपरा आपके सामने। सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा। नीमच मंडी की आवक देख लेते हैं कैसी है और कितने वाहन खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आवक की स्थिति है, राम राम साहब, राम राम। और लगभग वाहन 80 से ऊपर वाहन खड़े हुए हैं, दो बिल्कुल ले लियो साहब, बिल्कुल ले लियो साहब। और पूरी आवक की स्थिति देख लेते हैं कैसी है आवक। तो लगभग 80 वाहन के आसपास खड़े हुए हैं, कुछ और वाहन आई हैं, अभी तो 8 बजा है। 30 बोरी का माल भी रखें एक बोरी में, तो लगभग 2400-2500 बोरी के आसपास बनता है, और कुछ अंदर भी माल है, तो आवक और आ जाएगी, 100 से ऊपर आवक हो जाएगी वाहनों की। तो क्योंकि यहाँ जो वाहन है सब दोस्तों छोटे वाहन है, इसलिए 30 बोरी से ज़्यादा का अपन माल रख नहीं सकते एक गाड़ी में। उसका कारण यही है, क्योंकि सब ट्रॉली पूरी इतनी भरी हुई नहीं है, सब खुला वाहन है। तो लगभग आवक के ये वाहनों की है 80 के आसपास गाड़ी है, और ज़्यादा आवक है नहीं आज भी। तो मान के चलिए कल से ही मंडी की स्थिति मालूम पड़ेगी वास्तविकता में कितनी आवक बनती है मंडी के अंदर। तो ये हाल फिलहाल की स्थिति है आपके सामने, ये हाल फिलहाल मंडी की आवक की स्थिति आप देख सकते हैं।
ये पूरे वाहन जो खड़े हुए हैं और चलते हैं